वहीं हाथरस कांड का मुख्य आरोपी आयोजक देव प्रकाश मधुकर पुलिस की गिरफ्त में है। बाबा के बेहद करीबी मधुकर की गिरफ्तारी के बाद अब बाबा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद मधुकर आश्रम और बाबा के राज उगल रहा है। पुलिस पूछताछ में देव प्रकाश मधुकर ने कई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बाबा को फंडिंग किए जाने की बात कबूली है, जिसके बाद हाथरस पुलिस अब बाबा के बैंक खातों की जांच करेगी। अब तक की पूछताछ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक व निजी स्वार्थ के लिए इनसे जुड़ रहा है। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर से जुड़े समस्त बैंक खाते, चल संपत्ति, मनी ट्रेल इत्यादि की जाँच की जा रही है। हाथरस एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि जल्द ही बाबा को हिरासत में लिया जाएगा। जितने भी अभियुक्तों को हमने जेल भेजा है, इनको पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेके पूछताछ करी जाएगी और जो भी साक्ष्य संकलन है, जो भी ट्रस्ट की फंडिंग हो रही है, जो भी इनकी रसीदें हैं, जितने भी बैंक खाते हैं, सबके बारे में गहनता से जांच कर जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की। एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में बाबा की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी बाबा के तमाम ऐसे राज भी खुलेंगे जिनसे बाबा के हजारों लाखों भक्त अभी भी अनजान हैं।